हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। वैजी, क्या आपके पास कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे उस बंदर नाना वली को सबक सिखाया जा सके? राम 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 क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं द्वारिका नाथ जी, मैं ऐसी दवा तैयार करता हूँ उस पागल नाना वली के लिए कि वो सब कुछ भूलकर अपने में ही उलझा रहे खुजली वाले कुत्ते की तरह। अरे बहुत अच्छे। हर इंसान अच्छा भी होता है और बुरा भी। इंसान जो भी कर्म करता है वो सभी ना हमेशा अच्छे होते हैं और ना ही हमेशा बुरे। यूं समझ लो कि अच्छाई और बुराई में आपस की लड़ाई है। दोनों हमेशा एक दूसरे पर भारी पड़ना चाहती हैं नाना वली। बुराई हमेशा अच्छाई को हटाना चाहती है, मिटाना चाहती है, लेकिन अच्छाई कभी मिटती नहीं। इस अच्छाई और बुराई की लड़ाई को हम सद सद विवेक बुद्धि कहते हैं। इंसान जब अपने मन को ईश्वर की आराधना में लगा देता है तब उसका विवेक जागृत रहता है, फिर वो कभी किसी की बुराई नहीं करता। लेकिन बाबा, जब उसका विवेक गहरी नींद में सो जाता है ना, तो बुरे कर्म ही करता है, उस ढोंगी पाखंडी मकर द्वारकानाथ की तरह। राम 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 राम, द्वारकानाथ जी, ये बंदर नाना वाली तो पूरे शिरडी में खुलेआम सबके सामने आपकी बेइज्जती कर रहा है। हाँ, कह रहा था कोंडा जी का विवेक तो जागृत हो गया है। हाँ वह जी, ये सब कुछ उस साईं बाबा की वजह से है, वही नाना वली को उकसाता रहता है। राम राम राम, अरे द्वारिकानाथ जी, ये सुंदरा बाई भी तो कुछ नहीं कर रही है इस शिरडी में आकर। ये सुंदरा बाई ने कभी ना हार मानी है और ना मानेगी। साईं बाबा से तो हार माननी ही होगी तुम्हें। साईं बाबा कहते हैं कि वो अपने भक्तों से कभी दूर नहीं रहते। जहां भक्त होंगे वहां वो भी होंगे। भक्ति के वश में भगवान भक्ति के वश में भगवान नहीं वैजी, नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। हमसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। हाँ दगड़ू, हम सबको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हाँ। अरे चुप करो मूर्खो, चुप करो, नहीं तो पानी से नहीं मेरी मार से मर जाओगे, समझे? भगवान, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस पागल की टांगे तोड़ देता हूँ। दगड़ू, ये क्या टांगे तोड़ेगा, उसके सामने तो इसकी टांगे लड़खड़ा जाती है। चुप कर। अरे खबरदार, अपनी जुबान खोली तो ढूंढू। अरे राम राम राम, कभी कभी तो दिल में ऐसे आता है कि मैं तुम दोनों को ऐसी दवा पिला दूं कि तुम दोनों की आवाज ही बंद हो जाए। मूर्ख कहीं के। दवा? वैजी, क्या आपके पास कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे उस बंदर नाना वली को सबक सिखाया जा सके? राम 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 क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं द्वारिका नाथ जी, मैं ऐसी दवा तैयार करता हूँ उस पागल नाना वाली के लिए कि वो सब कुछ भूलकर अपने में ही उलझा रहे खुजली वाले कुत्ते की तरह।
अरे बहुत अच्छे। नानावली। हाँ बाबा। सावधानी से रहो, तुम्हारा बुरा वक्त आने वाला है। अपने बुरा चाहने वालों को पहचानने की कोशिश करो। बाबा चाहने दो मेरा बुरा, मैं जानता हूं बाबा मेरा कुछ कुछ बुरा होने वाला नहीं है। आपका आशीर्वाद जो मेरे साथ है बाबा। बाबा अगर किसी ने मेरा बुरा किया भी ना तो भी मेरा विश्वास है बाबा कि आप मेरा बुरा नहीं होने देंगे। बाबा मैंने अपने आप को इन चरणों में समर्पित कर दिया बाबा। जय साईं बाबा जय। सबका मालिक एक। वैद्य जी आप उस नानावली के लिए दवा तैयार कर रहे हैं? तैयार कर नहीं रहा हूँ, तैयार कर ली। इस पेड़े में हमारी सारी समस्याओं का समाधान है। वो तो सब ठीक है वैद्य जी, लेकिन ये तरल पदार्थ क्या है? द्वारिका नाथ जी, ये तरल पदार्थ इस पेड़े में मिले हुए मेरी दवा का तोड़ है।